भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा है कि वो अपनी मैच फीस उन लोगों के लिए डोनेट करेंगे जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान इस आपदा में बचाई है। पंत ने यह भी कहा कि वो अन्य लोगों से भी समर्थन की मांग करेंगे और उन जवानों की मदद करेंगे जिन्होंने रविवार को चमोली में आई भारी तबाही से सैकड़ों लोगों की जान बचाई। पंत जो वर्तमान में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खेल रहे हैं, उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वालों पर दुख व्यक्त किया। ऋषभ पंत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड में जान गंवाने वालों के लिए गहरा दुख है, बचाव प्रयास करने वालों के लिए मैं मैच फीस दान करना चाहूँगा और अधिक से अधिक लोगों से मदद करने के लिए आग्रह करूँगा। ऋषभ पंत मौजूदा टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय सरजमी पर अपने पहले शतक से चूक गए, हालांकि उन्होंने 51 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को मुश्किल से निकालने का प्रयास किया। उन्होंने पांचवें विकेट के लिए चेतेश्वर पुजारा के साथ 119 रन की साझेदारी की। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के परिवार के लिए मेरी हार्दिक संवेदनाएं और प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि बचाव अभियान चल रहा है, जो मुसीबत में है उनकी मदद की जा रही है। भारतीय क्रिकेटर को एक मैच के लिए 15 लाख रुपए मैच फीस के तौर पर मिलते हैं। ऐसे में 15 लाख रुपए की रकम को ऋषभ पंत ने डोनेट करने का फैसला किया है। NDRF, ITBP और SDRF की ओर से लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने दर्जनों लोगों को अब तक सुरक्षित निकाल लिया है। Thank you.